ते मानसून की और उस पर बातचीत करने के लिए आरके जेनामणि सर हैं हमारे साथ, सीनियर साइंटिस्ट हैं आईएमडी से। सर, मानसून की चाल को लेकर नया अपडेट क्या है, किस तरह की चाल जुलाई में अब तक रही है और आगे की चाल कैसी रह सकती है? देखिए, अभी जो रेनफॉल आप सब ने देखा है कि जून का जो रेनफॉल बिलो नॉर्मल था, इट रीच टू -11%, बट जुलाई में इट इज रियली पिक्ड अप, इट रीच प्लस टू बाय 11th जुलाई, बट आज इट स्टैंड यस्टरडे अप टू 24th जुलाई, द ऑल इंडिया रेनफॉल इज +2%, समथिंग लाइक दैट, +1% और +2%। एंड इफ स्पेसिफिकली लास्ट 24 आवर इफ वी डिस्कस, आई थिंक सबसे ज्यादा बारिश हुआ है जो महाराष्ट्र में, अगर इस सीजन का बात करें तो एक दिन में सबसे ज्यादा बारिश जो है काली ही हुआ है, और स्पेसिफिकली जो पुणे डिस्ट्रिक्ट का जो लावासा है जो 41 सेंटीमीटर यानी 410 मिलीमीटर 24 आवर्स में हुआ है, और पुणे में हम लोग रेड कलर कर दिया था और कल रात भर आज सुबह तक भी बारिश जारी है, इसके वजह से पुणे सिटी में काफी फ्लड है और उसका इम्पैक्ट भी है। उसको छोड़ के लोनावाला एंड अदर घाट डिविजन हैज ऑल्सो रिसीव्ड वेरी हाई रेन, एंड कमिंग टू बॉम्बे, बॉम्बे ऑल्सो स्टार्टेड रिसीविंग हैवी टू वेरी हैवी रेन, एंड वी हैव गिवन ऑल्सो ऑरेंज कलर फॉर टूडे फॉर मुंबई। एंड कमिंग टू फर्दर सेंट्रल इंडिया लाइक गुजरात, गुजरात हैज बीन रिसीविंग रेन एटलीस्ट एक्सट्रीमली हैवी, गुजरात रीजन एंड एज वी नो दिस द्वारका एंड कच्छ, इट वॉज हैविंग इन दी 15 to 20 July, नाउ इट इज द गुजरात रीजन मेनली सूरत एंड वलसाड, दीज एरिया इज गेटिंग वेरी हाई रेन एक्चुअली। So all these western India is getting very high rain almost many days in July, and Madhya Pradesh, Chhattisgarh, the rainfall has been also very high equally. So we have some deficient rainfall specifically in the eastern India covering this Bengal and adjoining area. Otherwise rainfall is very good actually. Of course the northwest India is receiving late actually. Like last 2 to 3 days we have the good rainfall over north India actually. So overall status is very good, and as you know that the El Nino to La Nina will be there in the latter part of the season. So I don't see any prospective wise it looks very good actually. Yeah. Rajasthan को लेकर क्या report है? क्या वहाँ पर भी इस तरह की बारिश, तेज बारिश की संभावना है क्या? Particularly, as I told, the rainfall mainly actually is the Konkan, Madhya Maharashtra, Rajasthan, and Chhattisgarh, all these areas. But eastern India, we expect some system to develop over GWB. Maybe the rain will pick up in the, next 4 to 5 days, actually. We are GWB, all these areas, where we have less rainfall till today. Yeah. Okay. North India, mein aapko lag raha hai, north aur east ke side mein, आगे अगले हफ्ते तक और वहां पे मानसून और ज्यादा तेज हो सकता है, अभी थोड़ी वहां पर रफ्तार धीमी दिख रही है। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। महाराष्ट्र में काफी बारिश हो रही है, जैसा जेनामणि जी कह रहे थे कि यहां पर कल से ही तेज बारिश हो रही है महाराष्ट्र में, पुणे में तो फ्लैश फ्लड की स्थिति बनी हुई है। हमारे साथ महेश पलावत जी भी है स्काईमेट से। महेश जी, मानसून को लेकर आप लोग की रिपोर्ट क्या कह रही है अभी? देखिए, अभी जो विष्णु जी, अभी आपने देखा होगा कि गुजरात के तो जितने भी दक्षिणी इलाके हैं यानी कोस्टल एरिया, देवभूमि द्वारका से लेकर के जूनागढ़, पोरबंदर, वेरावल और सूरत सारे बाढ़ग्रस्त हो गए हैं, और मुंबई में भी लगातार बारिश हो रही है, पुणे में 114 मिलीमीटर की भारी बारिश हुई है, सांगली, सतारा, कोल्हापुर में भी तेज बारिश है, और अब जो मध्य प्रदेश है उसका जो दक्षिणी है और पूर्वी इलाका है वो भी लगातार बारिश देख रहा है। केवल जो गंगा के मैदानी क्षेत्र है, पंजाब, हरियाणा और आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये अभी तक बहुत ज्यादा अच्छी बारिश नहीं है। पिछले एक हफ्ते में ऑलमोस्ट ड्राई कंडीशन बनी हुई थी, लेकिन आपने देखा होगा कि पिछले 24 घंटे के दौरान जो एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ है वो पहले मध्य भारत पे थी, एक के बाद एक लो प्रेशर एरिया बन रहे थे तो वो उसको नीचे खींच के रखे हुए थे, अब ये उत्तर में आ गई है। तो अब जो मानसून की एक्टिविटी है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान और उत्तर प्रदेश के साथ साथ जो मध्य प्रदेश के कई इलाके हैं, इन सारे इलाकों में बढ़ेगी। लेकिन जो बिहार और झारखंड है वहां पर अभी 2-3 दिन और इंतजार है, 2 दिन का और इंतजार है, उसके बाद वहां भी बारिश बढ़ सकती है। तो कुल मिलाकर के आगे का जो अभी जितने भी दिन बचे हैं जुलाई के, काफी अच्छे रहने वाले हैं। जी, दिन अच्छे रहने वाले हैं और आगे भी अच्छी बारिश की संभावना है, और जो राज्य अभी तक कम बारिश जहां पर हो रही है, बिहार, झारखंड, वहां पर भी 2-3 दिनों में मानसून की रफ्तार तेज हो सकती है। शुक्रिया महेश जी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए।